हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये ऑन डिमांड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत दिनों से बहुत सारी कमेंट्स ऐसी मिल रही थी जिनमें लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि यदि ये साबित हो जाता है कि मुकदमा झूठा है या फिर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है तो ऐसे केस में उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिमोनियल केसेज में यदि आपके ऊपर सेक्शन 498A या फिर DV का कोई केस या फिर कोई कंप्लेंट या किसी भी तरह का कोई मामला ऐसा दर्ज किया गया है जो कि झूठा है, तो ऐसे केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप उस झूठा केस दर्ज करने वाले व्यक्ति पर वो सारे सेक्शंस लगाकर उसको दंडित करवा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगा जिनके अंतर्गत आप ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्यवाही करवा सकते हैं जो कि आपके ऊपर किसी भी प्रभाव में आकर झूठा मुकदमा दर्ज करता है। और मैट्रिमोनियल केसेज में वाइफ और उसके जो परिवारजन होते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पर आप इन धाराओं का उपयोग करके उनको दंडित करा सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके जानते हैं इन सारे सेक्शंस को, ये कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें आप ये कार्यवाही कर सकते हैं। दोस्तों इन धाराओं को समझने से पहले एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि फॉल्स एलिगेशन का मतलब क्या होता है, फॉल्स एलिगेशन कब माना जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन ये है कि यदि वाइफ ने आपके ऊपर कुछ मुकदमे डाल दिए हैं और बाद में वो उनमें कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, तो उस कॉम्प्रोमाइज के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो मुकदमे इसने डाले थे ये फॉल्स थे, इसीलिए इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसके बाद आप इन सारे सेक्शंस को जो मैं आज बताने वाला हूँ उपयोग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि उसने कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज करा दिया था या फिर कोई FIR पुलिस में दे दी थी और बाद में वो इस मुकदमे को वापस ले लेती है या फिर इस FIR को वापस ले लेती है, तो ऐसे केस में भी ये कहा जाएगा कि उसने ये झूठा मुकदमा दर्ज किया था। तीसरी कंडीशन दोस्तों ये हो सकती है कि यदि मुकदमा पूरा खत्म हो जाता है, यानी पूरा ट्रायल चलने के बाद मुकदमा आपके फेवर में आ जाता है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा करके ये मुकदमा दर्ज कराया था। और उसके बाद आज की इस वीडियो में बताए गए सारे सेक्शंस को आप उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 182। सेक्शन 182 ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस को कोई गलत सूचना देता है इस उद्देश्य से कि पुलिस के पास जो शक्ति है अपनी कार्य करने की विधिक शक्ति है उसका उपयोग वो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करे, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। यानी कि यदि आपकी वाइफ ने पुलिस के माध्यम से आपके ऊपर कोई गलत FIR दर्ज करवाई है या फिर किसी प्रकार की आपके लिए गलत सूचना दी है, ये सोच करके कि पुलिस इस गलत सूचना के आधार पर आपके साथ कुछ गलत करेगी, लाइक आपको टॉर्चर करेगी या फिर आपको जेल में डाल देगी, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी मानी जाएगी और उस पर कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों दूसरा सेक्शन है सेक्शन 191, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 191। ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति मिथ्या सूचना देता है, यानी पुलिस में जाकर कोई भी गलत सूचना आपके खिलाफ देता है कि भाई इसने मेरे से मारपिटाई करी या फिर इसने मुझसे दहेज मांगा, यानी किसी भी तरह की अगर गलत सूचना पुलिस को दे रहा है तो साबित हो जाने पर कि वो सूचना गलत है उसके बाद 191 के अंतर्गत आप उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 192। सेक्शन 192 ये कहता है कि यदि किसी ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है आपके खिलाफ, यानी कि यदि आपके खिलाफ कोई कागज बना लिया गया है, कोई डॉक्यूमेंट बना लिया गया है जिससे कि वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपने अपराध कारित किया है, लेकिन वो जो कागज है वो सच्चा नहीं है, वो झूठा उन्होंने तैयार किया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हो सकता है जैसे कि कोई फोटो तैयार कर लिया आपकी या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, कोई ईमेल में चेंजेस कर लिए, अमेंडमेंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, ऐसा कुछ भी चीज जो कि मिथ्या है, सही नहीं है और इस प्रकार से तैयार किया गया है, तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा और ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित होगा। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 193 ऑफ IPC में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड बताया गया है, यानी कि यदि आप मुकदमा दर्ज कराते हो तो ऐसे केस में उसको क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे केस में सामने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। दोस्तों यहां पर एक और इम्पोर्टेंट धारा मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 211। ये जो धारा है ये भी यही कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का नुकसान करने के लिए उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसके खिलाफ झूठे अपराध की सूचना देता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सेक्शन 499 ऑफ IPC 499 भारतीय दंड संहिता का। ये मानहानि को बताता है जब
आपके फेवर में कोई मुकदमे की डिग्री पास हो जाती है तो उससे साबित हो जाता है कि सामने वाले ने गलत मुकदमा दर्ज करवाया था, या फिर वो अपने मुकदमे को दर्ज करवाने के बाद उसे वापस ले लेता है तो इससे भी साबित होता है कि उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, या फिर कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस कॉम्प्रोमाइज के बेस पे भी आप ये कह सकते हैं कि उसने आपके खिलाफ गलत कंप्लेंट दी थी। तो इन सब चीज़ों से आप ये बता सकते हैं कि आपकी रेपुटेशन की हानि हुई, आपकी प्रतिष्ठा जो कि इतने सालों में बनी हुई थी वो गिर गई, और उस प्रतिष्ठा और रेपुटेशन के लिए आप उस पर सेक्शन 499 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराकर उससे पैसे की मांग भी कर सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने सेक्शन 499 आईपीसी से रिलेटेड बिल्कुल खुल करके डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां जाकर उस वीडियो को देखकर इस संबंध में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 6 सेक्शंस आज के इस वीडियो में बताए। इन सेक्शंस का उपयोग आप उस केस में कर सकते हैं जब कोई आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करता है या अननेसेसरी आपको हैरेस करता है, टॉर्चर करता है। अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।